सब्सक्राइब करें सोहाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं YouTube चैनल स्वाइपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे भारतीय रेलवे में मालगाड़ियों में किस बोगी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ना आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ना सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जानते हैं। ओके दोस्तों, भारतीय रेलवे के मालगाड़ियों में ना कैसनब बोगी का उपयोग किया जाता है। और कैसनब बोगी का उपयोग भारतीय रेलवे में सभी एयर ब्रेक वाले मालगाड़ियों में किया जाता है। दोस्तों कैसनब दो शब्दों को मिलाकर बना है, कैस और स्नब को। कैस का मीन कास्टिल होता है, वही स्नब का मीन स्नबर स्प्रिंग होता है। दोस्तों कैसनब का पूरा मतलब कास्ट स्टील बोगी फिटेड विद स्नबर स्प्रिंग। अब कैसनब बोगी का उपयोग कब से शुरू हुआ इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे में ना सबसे पहले कैसनब बोगी का उपयोग 1972 में डीओआई वेगन में टेस्टिंग के रूप में किया गया था। इसके बाद 1981 में कैसनब बोगी का टेस्ट बॉक्स एंड वेगन में किया गया था और इसे 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने के लिए सूटेबल माना गया था। और इस कैसनब बोगी की वर्जन का नाम कैसनब 22W रखा गया था। वही इस बोगी में सुधार कार्य होता गया और इसके नए नए वर्जन आते गए और बहुत अधिक ब्रेक बाइंडिंग होने के कारण इसमें 1989 में सुधार करके कैसनब 22NL और फिर 1990 में कैसनब 22NLB का डिज़ाइन किया गया था। दोस्तों अब तक के सारे ना कैसनब बोगी की अधिकतम स्पीड मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर रखी गई थी, लेकिन 1992 में तेज गति से मालगाड़ी को चलाने के लिए एक बार फिर से कैसनब बोगी का डिज़ाइन बदला गया और ये था कैसनब 22HS। इस नए डिज़ाइन किए गए बोगी के साथ मालगाड़ी की रफ्तार बढ़कर 110 किलोमीटर पर आवर हो गई थी। दोस्तों अब कैसनब बोगी के टाइप्स के बारे में जानते हैं। कैसनब 22, कैसनब 22W, कैसनब 22WN, कैसनब 22NL, कैसनब 22NLB, कैसनब 22NLM, कैसनब 22HS। आपको बता दूं दोस्तों कैसनब बोगी को कास्ट स्टील से बनाया जाता है और कैसनब बोगी में CTRB का उपयोग किया जाता है, मतलब कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग्स। दोस्तों बोगी और बोलस्टर के बीच में हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है जो कि बहुत ही मजबूत होती है और बहुत कम टूटती है। वह इसका ब्रेक गियर सिस्टम बहुत सरल और आसान होता है। इसमें साइड फ्रेम के पॉकेट में स्लाइडिंग करने वाले यूनिट टाइप फैब्रिकेटेड ब्रेक बीम लगाए जाते हैं और इस कारण से इसमें ब्रेक बाइंडिंग बहुत कम होता है। दोस्तों कैसनब बोगी में 23 टन लोड कैपेसिटी वाले एक्सल का उपयोग किया जाता है जिसके कारण बोगी की माल ढोने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। दोस्तों कैसनब बोगी के पार्ट कुछ इस प्रकार है। EM पैड, एडॉप्टर, साइड वीरर, सेंटर पिवट अरेंजमेंट, फ्रिक्शन सूवेज ब्लॉक, साइड फ्रेम फ्रिक्शन वियर लाइनर प्लेट के साथ, बोलेस्टर फ्रिक्शन वियर लाइनर प्लेट के साथ, लोअर स्प्रिंग प्लैंक, फिट बोल्ट एंड रेस्ट, इनर स्प्रिंग, आउटर स्प्रिंग, स्नबर स्प्रिंग, व्हील सेट, कार्टेज विथ टेपर रोलिंग बियरिंग्स इत्यादि। दोस्तों अब लास्ट में कैसनब बोगी की व्हील की जानकारी जान लेते हैं। बोगी में नए व्हील का साइज 1000 mm होता है। बोगी में जो ना व्हील का कंडीमेंट साइज 905.5 mm का होता है। बोगी का व्हील बेस 2000 mm होता है। बोगी का व्हील गेज 1600 mm होता है। जनरल सेंटर के बीच की दूरी 2260 mm होती है और एयर साइड वियर के बीच की दूरी 1474 mm होती है। अब दोस्तों आपने जान लिया मालगाड़ियों में किस बोगी का उपयोग किया जाता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों वीडियो ना अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद।